नागपुरातील रेल्वे बोगीतून गांजाची तस्करीचं एक प्रकरण समोर आलं आहे. मोतीबागच्या वर्कशॉपमध्ये बोगी गेली असता सुमारे 15 किलो गांजा सापडला आहे. यात बॅटरी बॉक्समध्ये लपून आणलेली गांजाची 5 पाकिटे होती. रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या साठगाठीने रेल्वे बोगीतून गांजाची तस्करी करण्यात येत असल्याची आशंका वर्तविली जात आहे. 2 दिवसापूर्वी एक जनरल बोगी मोतीबाग वर्कशॉपमध्ये आणण्यात आली होती. काल त्या बोगीचं काम सुरू असताना RPF जवानांना बॅटरी बॉक्समध्ये पॅकिंग केलेले 5 पाकिटे सापडली. RPF जवानांनी घटनेची माहिती जरीपटका पोलिसांना दिली. पोलिसांनी चेक केले असता सुमारे 15 किलो गांजा सापडला. पोलिसांनी 5 पाकिटे जप्त केली असून गांजा कोणी व कसा आणला याचा तपास सुरू आहे. मामला ये है की कल दोपहर की बात है, रेलवे के एक RPF के नौजवान हमारे यहाँ पे आए और उन्होंने बताया कि हमारा जो वर्कशॉप है उसमें जो जनरल बोगी जाती है वर्किंग के लिए कुछ दुरुस्ती के लिए, तो वो 2 दिन पहले से ही वहाँ पे आई थी. तो आज हमने जाकर देखा, तहकीकात किए, ऐसे ही तो नज़र में आया कि वो बोगी के नीचे में जो बैटरी लगी रहती है वो बैटरी के ऊपर में झाँक करके देखे तो उसमें सेलो टेप लगे हुए कुछ पाकिट दिखे हैं. तो उसने उनको टच किया, देखा तो उनको स्मेल आने लगी, वो गांजा के सामान, नारकोटिक्स के सामान, तो करके उन्होंने हमारे को इन्फॉर्म किया. यहाँ आकर की इन्फॉर्मेशन करने के बाद में हमारी टीम वहाँ पर हम गए, हमने भी देखे तो उसमें गांजा सामान सब चीज़ें दिखाई दिए. तो उन्होंने वहीं पे जब्ती किया, जब्ती करने के बाद में रितसर यहाँ पे FIR दर्ज की. तो उसका जो वेट किया हमने तो वो 7 किलो 900 ग्राम यानी 70,900 रुपये का आसपास का माल हमें प्राप्त हुआ है. लेकिन बात यह है कि उसका ये माल किसने लाया होगा, उसका आरोपी कौन है, उसकी छानबीन और ढूंढना अभी हमारा चालू है. जिसके ऊपर डाउट लग रहा है, जो हैबिचुअल ऑफेंडर है, जो नार्कोटिक्स से जुड़े हुए हैं, उन सभी को ला करके हम तहकीकात करेंगे. वो एरिया में CCTV नहीं है, वो एक लैक्यूना है. अगर CCTV रहते तो कुछ ना कुछ फुटेज भी मिले होते, अंधेरे में वो एरिया है. तो इस तरह से हम अभी हमारी तहकीकात